अफ्रीका में जो ये दूध मिलता है और दूध के जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये इतने ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है ना, मैंने कभी इंडिया में ऐसे नहीं खाए थे। ये जो पेड़ है ना, मैंने वही पेंट किया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का अगले व्लॉग में। ये व्लॉग जैसा तो प्रॉपर नहीं है, एक जर्नी नहीं है, मैं एक टाउन में हूँ, मतवारा बीच टाउन में। तो ये रहा सामने बीच, बहुत ही खूबसूरत बीच का नज़ारा है और रेत भी यार बहुत साफ और सॉफ्ट है। तो मैं हूँ यहाँ बीच टाउन में और आज यार समुंदर में जाने लगे हैं, थोड़ा सा ही गहरे तक जाएंगे क्योंकि ज़्यादा डीप गए तो तैरा तो जाएगा नहीं मेरे से। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, तैरते हैं और पेंटिंग करते हैं आज, और उसके बाद खाना वाना भी खाते हैं। तो आज यार है रेस्ट डे, आज कुछ ज़्यादा एडवेंचर नहीं होने वाला है लेकिन टाउन में मज़ा आने वाला है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर देना। और एक और बात, जैसे मैंने जांजीबार में कहा था कि वो वाला बीच पीछे की तरफ जाता है मतांबे बीच, तो ये वाला बीच भी पीछे की तरफ जाता है। तो ये मेरे को लगती है जो सारा कोस्ट एरिया है ना तंजानिया साइड का, ये दिन को रोज़ 1 बजे की तरफ पीछे को चला जाता है पानी 4-5 किलोमीटर। तो ये जो लहरें हैं ना ये बंद हो जाएंगी, ये पीछे को चली जाएंगी अब। तो चलिए समुंदर में हम जाएंगे और फतिमा बो रही भाई ऊपर, वहाँ से देख रही है कैमरा में, आपको दिख रहा है कि नहीं बो रही। तो फतिमा ने मुझे बीच का रास्ता दिखाया और वहीं पे ये जो होटल है ये वाला, यहाँ पे मैं खाना वगैरह खाती हूँ तो इस होटल की तरफ। और बादल भी यार बड़े मस्त खूबसूरत दिख रहे हैं। तो चलिए बीच में चलते हैं और फिर मैं आपको नज़ारे दिखाती हूँ बीच की तरफ जाके। तरफ ये पत्थर हैं जो इस तरफ कम दिख रहे हैं मेरे को, तो इस साइड से जाके देखते हैं यार। यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ पे नहीं है पत्थर, मेरे को तो यार पानी की तरफ आके भाई बहुत डर लगने लग जाता है, मेरी बैंड बजनी शुरू हो जाती है पता नहीं क्यों बिना बात के ही। और आज हाथ में गोप्रो भी है। हाउ डीप, ओके। तो मैंने उससे पूछा कितना डीप है, तो उसने मेरे को दिखाया खड़े हो गए कितना डीप है। अरे यार यहाँ पे पत्थर आ गया, मेरे पेट तक की तरफ पानी पहुँच चुका है यार, पानी से डर लगता है भाई, हंसना मत, कुछ लोग हंस रहे होंगे यहाँ पे। यही थोड़ी जगह झूठ रही हूँ मैंने अपने, ये ज़्यादा गहरा नहीं है, अगर मैं खड़ी होंगी तो ये इतना गहरा बस, तो खड़ी होंगी तो मैं, मेरे सर तक नहीं जा रहा है, मैंने सिर्फ बैठ जाती हूँ मैं यहीं पर। यार मुझे ना पानी से प्यार भी बहुत है, मेरे को डर तो लगता है पानी से लेकिन मुझे पानी उतना पसंद भी है, तो ये दोनों बातें बहुत अलग हैं। मैं तो ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं जाती भाई, मैं तो यहीं पे पैर अपने झुका के ना मस्त ले लूँ भाई तैरने के बाद। फ़ायदा बताती हूँ और ख़ास बात बताती हूँ कि अमतवारा में कैशूनट की बहुत ज़्यादा खेती होती है, यहाँ से ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया की तरफ
कैशनट अफ्रीका यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, तो बहुत अच्छी एग्रीकल्चर है यहाँ पे कैशनट की, और भी बहुत सारे कोस्टल एरिया के जो जितने भी फल वगैरह हैं उनकी भी बहुत अच्छी खेती वगैरह होती है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले लोग अपना बहुत बड़ा मतलब तगड़ा बिजनेस है उनका। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो इसी बिज़नेस से रिलेटेड काम करते हैं, तो उन्होंने भी बताया मेरे को। तो मैंने उनसे पूछा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हो क्या, तो उन्होंने बोला हाँ जी। और दूसरी बात, अगर मान लो आपको वेकेशन पे जाना है तो ज़ांज़ीबार यार बहुत महंगा है, ठीक है, तो आप इस तरफ आ सकते हो मतवारा की तरफ, लोकल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, बीच तो देख ही लो यार खुद ही, बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है, तो बीच भी मस्त है यहाँ पे, और टाउन भी है, खाना पीना भी अवेलेबल है अच्छे से, और इमिग्रेशन ऑफिस भी है, तो उससे रिलेटेड कोई काम है तो वो भी हो जाएगा, बैंक सर्विस भी अच्छे से अवेलेबल है। तो बाकी ये होटल में हूँ मैं, मतवारा बीच रेसिडेंशियल, तो मैं 4-5 दिनों से यहीं पे अपना खाना खा रही हूँ। स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। जब भी मैं आई हूँ तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखा देती हूँ, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप यहाँ पे रह सकते हो, अच्छा स्टाफ है, बहुत सपोर्टिव है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी है इनकी, और पूल भी है यहाँ पे, तो अगर कोई वेकेशन पे आ रहा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है इस टाउन में। तो ये रहा पूल और ये रहा समुंदर, नज़ारे बहुत ही बढ़िया हैं। और यहाँ का प्राइस है कुछ शायद 2000 से 2500 रुपए के बीच में एक दिन का, और ब्रेकफास्ट शायद इंक्लूडेड है, इतना मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने पूछा नहीं है, लेकिन कुछ 2000 से 2500 रुपए के बीच में प्राइस है, और बीच पे ही बना हुआ है सामने तो। और बाकी यार मैंने खाना ऑर्डर करा पुलाव, खाना मेरा आने वाला है थोड़ी देर तक, तो आपसे खाना खाते टाइम जब आएगा खाना दिखा देती हूँ मैं, और फिर बात करते हैं आपसे। तो खाना आ गया यार, ये रहा खाना, ये रहा पुलाव, दही, और ये रही कचुम्बारी। तो यार ये जो दही है ना और यहाँ पे जो दूध मिलता है ये रहा, इसका मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि अफ्रीका में जो ये दूध मिलता है और दूध के जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये इतने ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है ना, मैंने कभी इंडिया में ऐसे नहीं खाए थे। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारे गांव में आओ वहाँ पे भी प्योर मिलता है, यार वो बात नहीं, ऑफकोर्स अगर आप गांव में हो तो वहाँ पे प्योर मिलेगा, ठीक है, अगर आपकी खुद की गायें हैं तो ऑफकोर्स प्योर मिलेगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि जहाँ से मैं हूँ या शहर में प्योर नहीं मिलता, इंडिया में शहर में बहुत मिलावट हो गई हमारे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं जब शहर के अंदर भी गई थी ना वहाँ पे भी पूरा प्योर था, टेस्ट अगर आप चखोगे ना आपको पता चलेगा कि वो प्योर है। तो जब मैं यहाँ पे आके सच में दही वगैरह खाया मेरे तो होश उड़ गए थे, मतलब इतना प्योर टेस्ट आ रहा था, मैंने कहा यार ये तो पहली बार ही हुआ है मेरे साथ, इतना प्योर तो मैंने कभी इंडिया में नहीं खाया। तो यहाँ पे तंजानिया में और आई थिंक ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट ऑफ अफ्रीका में, बाकी मैं ट्रैवलिंग करूँगी अदर कंट्री भी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी, फ़िलहाल तंजानिया में दूध कहीं भी आप चले जाओ इट इज़ अवेलेबल इन वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म पॉसिबल। तो ये अफ्रीका अभी भी बहुत बहुत नेचुरल है, और खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं यहाँ पे, लाइक बहुत ज़्यादा लोग सीजनल खाते हैं, अगर कुछ सीजनल अवेलेबल नहीं है तो 90% लोग नहीं खाएंगे, सब कुछ पूरा यहाँ पे फ्रेश है, तो यार इनका खाने पीने का रहन सहन मस्त, बिल्कुल एकदम गजब। तो फिलहाल बहुत बात होगी, अब मैं भाई खाना खाने लगी हूँ, पुलाव खाने लगे हम, और खाना खाने के बाद आपसे बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि खाना खाते टाइम मेरे से आप लोगों से बात नहीं होती, तो खाना खाने के बाद मैं बात करती हूँ। तो यार आज का दिन तो बीच पे बहुत ही मस्त गया, मुझे बहुत मज़ा आया, और अब टाइम है पेंटिंग करने का।
GoPro में दिख रहा है या नहीं, लेकिन उस तरफ ये जो पेड़ है ना, मैंने वही पेंट किया है। तो ये पेंटिंग है इस जगह की। ये बादल देख लो, बादल सेम टू सेम जैसे दिख रहे हैं। आसमान, अरे यार हवा चल रही है, तो ये आसमान, बादल और फिर समुंदर। आज आप लाइव देखो, जो ये मेरी पास का है वो हरा रंग का है और जो दूर का है वो नीला रंग का है। तो इसमें भी सेम मैंने किया है, जो दूर है वो नीला रंग है, जो पास है वो हरा रंग है। तो सेम टू सेम दिख रहा है हमें। और ये रही पेंटिंग, जूम करके दिखा देती हूँ क्लोजअप आपको। तो आज मैंने 2 महीने बाद पेंटिंग करी है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। वाह मज़ा आ गया यार। और समुंदर पेंट करना तो मुझे वैसे ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उम्मीद है यार आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आज तो हमने बस रेस्ट करा है, मस्ती करी है, पेंटिंग करी है, खाना खाया है और समुंदर में गए हैं हम। तो आज का ये कैजुअल डे था। और अगर आप मछुआरा आओगे तो सब कुछ इजीली अवेलेबल है, बहुत अच्छी जगह है। मेरे को छोटा सा टाउन है, ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है। तो अगर आओगे तो ज़रूर आना। एंड बस आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर दे किसी तरह से। एंड बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों से मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और 1 या 2 तंजानिया की वीडियो बची हैं और मैं बॉर्डर के पास जल्द जाने वाली हूँ। तो तंजानिया को अलविदा करने का टाइम आ गया है बहुत नज़दीक। और देखते हैं अपनी अगली कंट्री कौन सी होएगी। और कैनॉट वेट टू शेयर द न्यू एक्सपीरियंस ऑफ न्यू कंट्री सून।